Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named Stay Pain Free and Healthy, and this is Dr. Jyoti here. Today video is about के पीरियड जब हमारे स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, उससे पहले हमारे शरीर में अनेक तरीके के बदलाव होते हैं। जैसे हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को सिम्टम लेस होते हैं, कुछ लोगों को जो है सिम्टम्स कम आते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं महिलाओं में, गर्ल्स में, और हमको किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, कैसे किस प्रॉब्लम से या सिम्टम्स को किस हमें कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है और बैलेंस करके रखना है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद है तो लाइक भी करिएगा, लास्ट लोगों को शेयर भी करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्या होता है, जैसे हमारे पीरियड साइकिल नॉर्मल होती है तो हमको पता रहता है कि इस डेट को हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले ही हम लोग सोचने लगते हैं पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स आने। बट कभी आपने ये ऑब्जर्व करा है कि जैसे पीरियड स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले आपके शरीर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं? किसी किसी को काफ़ी हद तक मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेशन होने लगता है, किसी को रोने का मन करता है, किसी को एकदम से तो अच्छा मूड होता है, थोड़ी थोड़ी देर में ख़राब होने लगता है मूड। कुछ महिलाओं को क्या होता है, अपने फेस पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो इंडिकेट करता है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि हमारे तो पिंपल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले। कुछ महिलाओं को बॉडी पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन होने लगता है, ये भी एक सिम्टम होता है आपके पीरियड्स का। ठीक है, और कुछ महिलाओं में क्या होता है, आपके पेट जो है ब्लोटिंग, बड़ा पेट ऐसे भरा हुआ टाइप नहीं फील होता है, जैसे एकदम पेट तन जाता है, ऐसे लगता है कि हम तो इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारा पेट इस तरीके से क्यों ब्लोट कर रहा है, आगे की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्यों स्वेलिंग हो रही है, हमने तो इतना खाना भी नहीं खाया। तो इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या अभी डिस्कस करा कि हमारे जो पीरियड्स हैं उसके पहले हमारे शरीर में कितने अनेक तरीके के बदलाव आते हैं। ठीक है, तो कुछ तो जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, जो समझ जाती हैं, कुछ नहीं समझ पाती हैं, उनको फिर लगता है हमारी बॉडी की तरफ से इतनी मोटी कैसे हो गई, पेट इतना कैसे निकल गया, किसी किसी को गैस होने लगती है, और किसी किसी को जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि पेट में दर्द होने लगता है। तो क्या है इनके कारण, क्या बेसिकली इसके रीजंस होते हैं इस तरीके के हमारे शरीर में बदलाव के कारण, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या होता है, हार्मोन्स चेंज। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में तो ऑब्वियसली हार्मोन्स का ज़्यादा रोल होता है, तो जैसे हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी जैसे हमारे पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एस्ट्रोजन जो मेन हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन, तो जो एस्ट्रोजन होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब एस्ट्रोजन कम होना स्टार्ट हो जाता है तो सेरोटोनिन को भी वो कम करता है। ठीक है, जब सेरोटोनिन को वो कम करता है तो हमारे शरीर में खाने की जो चाहत होती है वो बढ़ जाती है, तो अननेसेसरी हम लोग कुछ भी खाने का मन करता है, तो हम ये खा लिया, अनशन खा लिया, वो खा लिया, ऐसे करते करते क्या होता है, हम थोड़ा सा खुद में हैवी फील करने लगते हैं। ठीक है, तो स्टमक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में हम खुद को भी एक मोटापा तरीके से फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा वजन भी बढ़ रहा है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से सेरोटोनिन कम होता है, और जो सेरोटोनिन को हम बैलेंस करने के लिए हम लोग अनशन चीज़ें खा लेते हैं, इसकी वजह से हमारा मोटापा आने लगता है। ठीक है, तो ये तो पहले एक कारण हो गया कि हमारा मोटापा क्यों दिखता है, हमारा पेट टमी ऐसे बाहर क्यों आने लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है प्रोजेस्टेरोन। आप सभी जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हमारी शरीर में ऑब्वियसली एक मेन हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, तो क्या होता है हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर रिटेंशन क्या होता है, इकट्ठा मतलब फ्लूड का इकट्ठा होना स्टार्ट होने लगता है। तो वो कैसे होता है, जैसे हाथ में हमारे सूजे लगते हैं, पेट हमारा सूजा हुआ लगता है, आप देखते होंगे काफ़ी महिलाओं में, इवन दो कहेंगे मुझे भी इस तरीके का सिम्टम आता है कि पेट जो है वो स्वेल्ड सा लगता है, मोटा सा लगता है, और साथ ही साथ आपको टाइटनेस भी फील होगी, और पेट को ऐसे टच करेंगे तो लगेगा यार कितना टाइट पेट हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है आपका प्रोजेस्टेरोन का, मतलब पीरियड्स आने से पहले PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जिसको कहते हैं वो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका पेट सूजा हुआ लगेगा, आपके हाथ पैर सूजे हुए लगेंगे, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है वाटर रिटेंशन हमारे शरीर में करता है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न होता है कि हम लोग के बॉडी में जो है पेट में जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी किसी को तो लूज मोशन लगते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे ही वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें या तो गैस में होने लग जाएगी या तो हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आपके जो GI ट्रैक्ट होता है वो डिस्टर्ब होने की वजह से। उसके बाद हम बात करेंगे काफ़ी सारी महिलाओं को जो है पेट में दर्द होता है, पीरियड में पेन क्यों होता है, इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। क्या होता है, जैसे हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाला है हमारे शरीर में जो है यूट्रस में जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, जो क्या करता है हमारी जो
यूट्रस होती है जो बच्चेदानी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है. जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड उसमें से रिलीज़ होता है. ठीक है, बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो अंदर उसके जो ब्लड रिलीज़ होता है, जो ब्लड होता है उसको रिलीज़ करने के लिए हमारे पेट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. किसी किसी को तो सहन हो जाता है, किसी किसी को बिल्कुल सहन नहीं होता, और किसी किसी को तो असहनीय पीड़ा होती है. ठीक है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन, और जो हमारी बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो खिंचाव करता है, जिसकी वजह से ब्लड रिलीज़ होता है. ठीक है, तो ये रीज़न हो गया. उसके साथ साथ एक और रीज़न रहता है मैग्नीशियम का. क्या होता है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है. जब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो हमको मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, जो भी हमें एक तरीके से मोटापे की तरफ लेके जाता है. ठीक है, तो ये कुछ कहेंगे सिम्टम्स होते हैं जो मेजर होते हैं, जो पीरियड से पहले आ रहे होते हैं. ठीक है, जो आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस करते हैं. सबसे पहले तो मोटापा, पेट आपको फूला टाइप लगेगा, किसी को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी कभी आपका जो है फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं. तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन फ्लक्चुएशंस. अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल डेट पे आते हैं, रेगुलर डेट पे आते हैं, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पीरियड्स PMS सिम्टम्स होते हैं जो हमारे पीरियड्स के पहले जो आते हैं, जिसको हम काफ़ी हद तक एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो जब तक ठीक है. अगर आपको ओवर लगता है तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपके इरेगुलर पीरियड है और इस तरीके से आपको सिम्टम्स आते हैं तो. ठीक है, अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम इन सारे सिम्टम्स को बैलेंस करें. देखिए, आपको ऑब्वियसली ओवर ईटिंग से बचना है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे सेरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है तो हमको सेटाइटी हो रही है, भूख लग रही है, तो हमको ओवर ईटिंग से बचना है. अगर हम ओवर ईटिंग से बचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वेट कंट्रोल रहेगा. ठीक है, साथ ही साथ हम लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, तो अब मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स हमको दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, वो ले सकते हैं. डाइट में आप मैग्नीशियम रिलेटेड जो भी कहेंगे कंटेंट्स होते हैं, फूड होते हैं, उनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि वो सब चीज़ें भी बैलेंस रहें. और पीरियड के पेन को किस तरीके से कम करना है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है. एक जनरल आइडिया कहें तो आप गर्म पानी का सेक करके जो वाटर बैग आता है उसमें ले सकते हैं, या बॉटल है घर में उसे सेक कर सकते हैं. और जैसे भी आपको कंफर्ट हो आप उस तरीके से मेडिसिन भी ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पीरियड पेन को भी काफ़ी हद तक रिलीव कर सकते हैं. और काफ़ी लोग जो ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करें कि नहीं करें पीरियड्स में, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट एक एग्रेसिव एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है. अगर आप ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करेंगे या हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपका हो सकता है ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है, और आपको जो पेन है वो भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है. ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. एक्सरसाइज करना कोई ऐसा हार्म नहीं है, बट ये डिपेंड करता है सिम्टम ने, किसी किसी को ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट्स उनको कम करिए, और किसी किसी को ब्लीडिंग में इतना होता नहीं है, ब्लड नहीं आता है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट इट्स बेटर टू अवॉइड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज लाइक स्कीपिंग थोड़े दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए, जैसे आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. और ये सिम्टम्स आते हैं तो इनसे घबराइए नहीं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं. और जैसे ही आपके पीरियड्स हो जाते हैं, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं, और आपको एक बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक काइंड ऑफ फील होता है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है, जैसे आपके पीरियड्स हो जाते हैं. बट आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा दिनों तक, 1 महीने से ज़्यादा, 10 दिन या 15 दिन या 1.25 महीने तक स्किप होते हैं, तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है. इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, और अगर तब भी नेगेटिव आ रहा है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए. अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो उसमें एक वीडियो बनाएं किस तरीके से आप रेगुलर कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट गेट एनी काइंड ऑफ उससे भी रिजल्ट, तो आप ऑब्वियसली जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें. ठीक है, होप आप सभी के लिए इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो. पसंद आए तो लाइक करिए, एंड ज़्यादा लोगों को शेयर करिए. एंड जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपकी जो क्वेरीज है वो सब नीचे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको वहीं पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा. तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. दिस इज डॉक्टर ज्योति.